अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू नावल कहानियां में मैं आपका वेलकम करती हूँ। जब डॉक्टर राज ने इरम को अपने बराबर में लेटते हुए देखा तो उन्होंने गुस्से में आकर इरम के ऊपर से कंबल हटाकर दूर फेंक दिया और चीखते हुए बोले कि क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या, जाओ अपने कमरे में फौरन, बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। इरम ने कंबल उठाते हुए कहा, डरती हूँ मैं लाल बेग से, क्या अब आप इस बात को मजाक समझ रहे हैं और आपके बच्चे क्या समझेंगे, बीवी हूँ मैं आप आपकी। उफ़ अल्लाह डॉक्टर साहब, कितना डरते हैं आप मुझसे। इरम ने मुस्कुराकर डॉक्टर राज को देखा और अपना तकिया डॉक्टर राज के बराबर में रख दिया। वो लेट भी ना पाई थी कि डॉक्टर राज थोड़ा सा दूर खिसक गए। ये देखकर इरम की हंसी छूट पड़ी। हा, क्या हो गया आपको डॉक्टर राज, आप तो मुझसे ऐसे डर रही हैं जैसे मैं कोई चुड़ैल हूँ और आपको खा जाऊंगी। डॉक्टर राज की इस हालत को देखते हुए इरम ने कुछ कुशन उठाकर अपने और डॉक्टर राज के दरमियान में रख दिए। अब ठीक है ना डॉक्टर राज, अब आप खुश हैं, अब आपको डर तो नहीं लग रहा मुझसे। डॉक्टर राज इरम की किसी भी बात का जवाब दिए बगैर कंबल ओढ़कर गुस्से में लाल पीले हुए सोने की नाकाम एक्टिंग करने लगे। तरह से आज इरम ने हर तरह से डॉक्टर साहब को परेशान करने की ठानी हुई थी। इरम ने डॉक्टर साहब को छेड़ते हुए कहा, डॉक्टर साहब क्या सो गए आप। डॉक्टर राज ने इरम की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने इरम को नज़रअंदाज करते हुए दूसरी तरफ करवट ले ली। सुबह नाश्ते की टेबल पर अलीना, अरसलान, डॉक्टर राज और इरम, डॉक्टर राज मुसलसल इरम को गुस्से में घूरे जा रहे थे। इरम बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोककर बैठी हुई थी। इरम ने डॉक्टर को मजीद परेशान करते हुए कहा, क्या हो गया डॉक्टर राज, आज आपकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो रही हैं, तबीयत तो ठीक है आपकी, क्या कल रात आप सही से सोए नहीं हैं। डॉक्टर राज बच्चों के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते थे। इरम मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, डॉक्टर राज ने इरम को अपने कमरे में आने का कहा। तो खुशी और शर्म के मारे इरम का चेहरा गुलाबी हो गया। उसने जल्दी जल्दी हल्का सा मेकअप किया और डॉक्टर राज के फेवरेट कलर का ड्रेस पहनकर उनके कमरे में पहुंच गई। मैं आ गई डॉक्टर साहब, इरम ने खुश होते हुए कहा। एक नज़र डॉक्टर राज ने इरम को देखा और बोले, तुम किसी फंक्शन में जा रही हो। नहीं तो, इरम ने फौरन जवाब, इतना तैयार होकर क्यों फिर रही हो। अरे वो तो मैं इसलिए बन सवर कर आई हूँ कि आपने बुलाया था ना मुझे, इरम ने मासूमियत दिखाई। हद होती है, डॉक्टर राज ने अपना सर हिलाकर कहा। अच्छा इरम इधर बैठो। इरम परेशान थी कि आखिर ऐसी क्या बात है। डॉक्टर राज इरम से मुखातिब हुए, देखो इरम दिखाए, इरम ने मजाक में जवाब दिया। इरम मजाक नहीं हो रहा, आज कुछ सीरियस बातें होंगी। सॉरी डॉक्टर राज, इरम मेरी और तुम्हारी एज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मुझसे शादी का फैसला एक जज्बाती फैसला था, क्योंकि अक्सर तुम्हारी उम्र के लोग जज्बात में आकर ऐसा कदम उठा लेते हैं और फिर उसे मोहब्बत का नाम देते हैं। तुमने भी ऐसा ही किया, समझ रही हो ना मेरी बात, डॉक्टर राज इरम की तरफ देखकर कह रहे थे। इरम मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ, तलाक के पेपर्स बनवाने को दे रहा हूँ। तुम भी समझ गई होगी कि ये सब तुम्हारी वक्ती मोहब्बत थी, और रहा सवाल मेरा तो मुझे तुमसे कोई मोहब्बत भी नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो, तुम्हें बहुत अच्छा लड़का तुम्हारी उम्र का मिल सकता है, बस बोल लीजिए आप डॉक्टर साहब, इरम ने गुस्से में कहा। हाँ इरम तुम गौर करना मेरी बातों पर, अब तुम जाओ, आज आपको भी मेरी एक बात सुननी पड़ेगी। मेरा ये फैसला दुनिया वालों या आपकी नज़र में जज्बाती ज़रूर होगा, लेकिन राज मेरी तो ये मोहब्बत अब मेरी रूह में शामिल हो चुकी है और मैं इस मोहब्बत को अपने वजूद से दूर करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आपने हमेशा मुझे नज़रअंदाज किया है, लेकिन मेरे दिल में आपकी ये मोहब्बत कम नहीं हुई बल्कि और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, और अगर ज़िंदगी या किसी मोड़ पर आपके बगैर रहना पड़ा तो ये इरम सिर्फ और सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह नजर आएगी, आपकी कसम मर जाएगी ये इरम। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, बस इसी तरह रहने दें, आप मुझे अपने साथ सारी ज़िंदगी आपको देखकर ही गुजार लूँगी, और अब तो मेरे दिल में आपके लिए इज्जत और एहतराम और ज़्यादा बढ़ गया है। राज कल रात आपके साथ एक ही कमरे में रही होते हुए भी आपको तमाम हकूक हासिल होते हुए भी आपने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, वरना क्या कुछ नहीं कर सकते थे कल रात आप। राज मोहब्बत उम्र या मजहब से नहीं होती, ये तो बस हो जाती है, मैं तो दीवानी हुई जा रही हूँ आपके लिए, और आप है कि मुझे अपने आप से दूर करने की बातें कर रहे हैं। इरम प्लीज़ खामोश हो जाओ, अब तुम मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, डॉक्टर राज ने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहा। झूठ बोल रहे हैं आप, क्या यही बात आप मेरी आंखों में देखकर बोल सकते हैं। हाँ मुझे तुमसे कोई लगाव या मोहब्बत नहीं है, और मैं तुम्हें किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहता, राज ने स्पाट लहजे में इरम से कहा। अगर ऐसा नहीं है तो राज
फिर आप मेरी तरफ देखकर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्या मैं आपको जरा सी भी अच्छी नहीं लगती? गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर राबी का फोन आ जाता है। राबी, मैं बस पहुंच रहा हूं कुछ देर में। ओके, कहां जा रहे हैं आप? डॉक्टर राबी के साथ इरम ने राज से पूछा। डिनर पर जा रहा हूं कुछ फ्रेंड्स के साथ। एक बात पूछूं राज आपसे? क्या बात? क्या आप डॉक्टर राबी से मोहब्बत करते हैं? इरम, मेरे पास तुम्हारी इस बात का कोई जवाब नहीं है, राज ने इरम की तरफ देखकर कहा। अब जाओ तुम। इरम अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी राज को किसी और के साथ। आज डॉक्टर राज के दोस्त का बेटा दुबई से बिजनेस के सिलसिले में उनके घर कुछ दिनों के लिए रहने आ रहा था। डॉक्टर राज जब आदिल को एयरपोर्ट से लेकर घर पहुंचे, अंकल के घर निहायत खूबसूरत और मासूम सी लड़की को देखकर पूछा, अंकल ये लड़की कौन है? आज से पहले तो मैंने कभी नहीं देखा इनको। डॉक्टर राज ने उसकी बात को काटते हुए कहा, चलो आदिल मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। जब आदिल अपना सामान कमरे में रख रहा था तो डॉक्टर राज ने उसे बताया कि ये इरम है और कुछ मंथ पहले इनसे मेरा निकाह हुआ है, आपकी डैडी को मैंने बताया हुआ है। आदिल को इरम पहली नज़र में ही बहुत पसंद आ गई थी। वो उसकी खूबसूरती को देखकर दीवाना हुआ जा रहा था, क्यों ना कि उसने इससे पहले इतनी हसीन लड़की नहीं देखी थी। नेचर के हिसाब से आदिल एक अयाश नौजवान था। वो रिश्ते को बहुत गलत नज़र से देख रहा था। वो ये बिल्कुल भूल गया था कि ये मेरे अंकल की बीवी है। डिनर के वक्त भी वो मुसलसल इरम को ही देख रहा था। इरम आदिल की निगाहों से बहुत परेशान हो रही थी। उसकी गंदी निगाहों से इरम बहुत कराहत महसूस कर रही थी। इसलिए इरम ने अब वहाँ बैठना मुनासिब नहीं समझा और उठकर अपने कमरे में चली आई। आदिल ने बहुत जल्द अंदाज़ा लगा लिया था कि इन दोनों के रिश्ते में बहुत फासला है और ये दोनों अलग अलग कमरों में भी रहते हैं। वो हर पल मौके की तलाश में लगा रहता था कि कब इसे इरम अकेले में मिले। इरम भी आदिल की गलीज निगाहों को समझ गई थी, इसलिए वह ज़्यादातर उससे कतराती थी। लेकिन कब तक वो उससे बच सकती थी? आदिल कोई भी मौका जाने नहीं देता था। वो जानबूझकर इरम के कमरे का चक्कर लगाता रहता। कभी वो इरम को चाय बनाने का बोलता तो कभी बेकार के मौजू पर बातें करता ताकि इरम उससे बात करे। इरम आदिल की इन बातों से बहुत परेशान हो रही थी। आखिरकार इरम ने तंग आकर डॉक्टर राज से बोल ही दिया कि जब तक आदिल इस घर में है मैं आपके कमरे में सो जाया करूँगी। लेकिन डॉक्टर राज ने इरम की इस बात को कोई अहमियत नहीं दी। आखिर एक दिन वो हुआ जिसका इरम को डर था। उस दिन डॉक्टर राज हॉस्पिटल में थे। अलीना और अरसलान अपनी फुप्पो के घर गए हुए थे। आदिल को तो जैसे मौका ही मिल गया था। आदिल इरम के कमरे में गया और कहने लगा, प्लीज़ मेरी ये शर्ट इस्त्री कर दो। इरम आदिल की शर्ट इस्त्री कर रही थी। आदिल ने उससे कहा, दोस्ती करोगी मुझसे? इरम बहुत अच्छी लगती हो तुम मुझे, क्या दिमाग ख़राब हो गया आदिल तुम्हारा? बहुत दिनों से मैं तुम्हारी इन हरकतों को देख रही हूँ और आज तो तुमने हद कर दी। आज मैं सब कुछ डॉक्टर राज को बता दूंगी, चलो हटो मेरे रास्ते से। इरम ने आदिल की शर्ट उसके मुंह पर दे मारी। हा हा हा, आदिल जोर जोर से हंसने लगा। राज को शौक से बताओ सब कुछ अपने डॉक्टर राज को। क्या मैं जानता नहीं हूँ कि वो सिर्फ तुम्हारे नाम के शोहर है? इसलिए अब शराफत से मुझसे दोस्ती कर लो और मान लो मेरी बात हमेशा खुश रहोगी और ये डॉक्टर राज से भी तुम्हारा रिश्ता चलता रहेगा। वैसे भी तुम्हारे डॉक्टर राज तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे क्योंकि वो तुमसे नफरत करते हैं। आदिल ने ज़बरदस्ती इरम को अपने गले से लगाया। ये क्या कर रही हैं आप? आदिल छोड़े मुझे, छोड़ दें प्लीज़। इरम आदिल की गिरफ्त से निकलना चाहती थी। वो इसकी मजबूत गिरफ्त से खुद को आज़ाद नहीं कर पा रही थी। वो बहुत रो रही थी अपनी बेबसी पर। और इसी दौरान डॉक्टर राज घर में दाखिल हुए। आदिल ने इरम से कहा, अगर तुमने राज अंकल को कुछ भी बताया तो तुम अपनी बर्बादी की जिम्मेदार खुद होगी, क्योंकि वो मुझे तो कुछ भी नहीं बोलेंगे लेकिन तुम्हें ज़रूर तलाक देकर घर से बाहर निकाल देंगे। और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो, वो तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करते। ये बोलकर आदिल इरम के कमरे में से भाग गया। इरम ने आदिल के जाने के बाद सोचा कि मैं आज डॉक्टर राज को सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि वो एक ओबाश लड़के के हाथों खिलौना बनकर गुनाह की ज़िंदगी हरगिज़ नहीं गुजारना चाहती थी। बाकी फैसला उसने अल्लाह पर छोड़ दिया था। वो डॉक्टर राज के कमरे में पहुंची और उसने शुरू से लेकर आखिर तक हर बात राज को बता दी। डॉक्टर राज ने तमाम बातें इरम के सुनने के बाद आदिल को अपने कमरे में बुलाकर सारा माजरा पूछा तो वह साफ मुँह कर गया और बोला, अंकल आपकी ये बाज़ाहिर खूबसूरत बीवी दरअसल एक वैशी लड़की है, पर पहले दिन से ही डोरे डाल रही थी। लेकिन मैं तो इसे समझाता रहा हूँ और आपसे मैंने आज तक इस बात का जिक्र तक नहीं किया कि आपकी बीवी बदकिरदार है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि आपका घर ख़राब हो। आज तो इस लड़की ने तमाम हदूद पार कर दी अंकल, मुझे तो शर्म आ रही है आपको सब कुछ बताते हुए भी। इसने मुझे गुनाह की दावत दी, इसने मुझसे कहा कि मेरा शोहर सिर्फ नाम का शोहर है और ये अपनी हवस मुझसे पूरी करना चाहती है। जब मैंने इनकार कर दिया तो इसने शोर शराबा शुरू कर दिया। आदिल ने इंतहाई अयारी से राज के सामने गलत बयानी से काम लिया। झूठ बोल रहा है ये, तोहमत लगा रहा है मुझ पर,
फ़ायदा उठा रहा है ये मेरे और आपके रिश्ते की दूरी का, ये इसकी चाल है, आप मेरा यकीन करें राज। इरम ने जारो कतार रोते हुए कहा। डॉक्टर राज ने तमाम बातें आदिल की सुनकर आदिल से कहा, आदिल तुम अब जाओ। आदिल के कमरे से जाने के बाद राज इरम से मुखातिब होकर बोले, इरम तुम एक घंटे के अंदर इस घर को छोड़कर चली जाओ, मैं तुम्हारा वजूद अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हैं आप, क्या आपको मुझ पर ज़रा भी यकीन नहीं है, झूठा है आदिल, इरम का रो रो कर बुरा हाल था। चली जाओ मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, राज ने चीखते हुए कहा। मेरी बात सुने आप प्लीज़ राज, जाती हूँ ये धक्के मार के बाहर निकालूँ मैं तुम्हें यहाँ से। इरम रोती हुई अपने कमरे में चली गई। घर छोड़ने से पहले इरम राज के कमरे में आई और बोली, मैं आपके घर से कुछ भी लेकर नहीं जा रही हूँ, लेकिन ये आपकी तस्वीर मुझे बहुत पसंद है, क्या मैं इसे ले जा सकती हूँ। राज ने कोई जवाब नहीं दिया तो इरम तस्वीर लेकर चली गई। जब इरम डॉक्टर राज का घर छोड़कर चली गई तो डॉक्टर राज आदिल के कमरे में पहुंचे। अरे अंकल आपने मुझे बुला लिया हो तो आपने क्यों जहमत की, आदिल ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा। वैसे अंकल बिल्कुल सही फैसला करा आपने इरम को घर से निकाल कर, इतनी बेहिया लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी, कितना बड़ा धोखा दे रही थी वो आपको। डॉक्टर राज ने गुस्से में आदिल से कहा, बस खामोश हो जाओ तुम मकार इंसान। अंकल ये क्या कह रहे हैं आप, मुझसे सही बोल रहा हूँ, तुम जैसी घटिया लड़के की नज़रों को तो मैं पहले दिन ही समझ चुका था, तुमने एक मासूम और शरीफ लड़की पर इतना शर्मनाक इल्ज़ाम लगाया जो गुनाह उसने किया ही नहीं, अल्लाह तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर राज का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। आदिल ने डॉक्टर राज से पूछा, अंकल अगर वो इतनी शरीफ लड़की थी तो आपने उसको धक्के मारकर घर से बाहर क्यों निकाला। आदिल तुम अपना दिमाग चलाने की ज़्यादा कोशिश नहीं करो, बेहतर यही है कि तुम इस घर से निकल जाओ और मैं तुम्हें इस बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। बा इरम मम्मा कहाँ हैं, रात को अलीना और अरसलान ने डॉक्टर राज से पूछा। निकाल दिया मैंने उसको और आज के बाद कोई भी इस घर में इरम का नाम नहीं लेगा, कोई रब्ता नहीं करेगा उससे, समझे तुम दोनों। करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।